गैलेक्सी, सवाल हमने कर ले हैं तैयार। अब देखना यह है कि इन टीम्स में से बेटर बैंटर कौन करता है। लेट्स सी थॉट्स ऑन टीम्स जो हील बैटल बहुत ज्यादा करती हैं, जैसे केमिन ईस्पोर्ट्स। हील बैटल वो भी एक तरीका है पॉइंट्स कलेक्ट करने का, तो वो भी मतलब एक गेम का फेयर पार्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिन ही कर सकती है, उनके पास कोई टेक्निक है, बाकी भी कर सकते हैं लेकिन बाकी कर नहीं रहे। पिछले कुछ इवेंट से ना गॉडलाइक क्वालिफाई नहीं हो रही, क्या चल रहा है? नया लाइनअप है, वो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनका कहना है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, पर अब बहुत टाइम हो गया है। अब मेरे को लगता है सिर्फ अब हम ही करा सकते हैं कमबैक। किस प्लेयर को रिटायर होना चाहिए? अरे ऐसे तो कुछ नहीं रिटायर, लेकिन आई थिंक ओजी के ड्रेगर को रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र काफी होगी और शादी का टाइम है यार, कर लो शादी। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स यार बहुत मेयर पे टाई करते हैं, लाइक जी ऑलवेज फाइटिंग, अब उनका टैग हमने बनाया है, सो उनको कैसे टैकल करोगे आप? आई थिंक उनका गन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बीस्ट निंजा वर्स लग साथ में बहुत टाइम से खेल रहे हैं, आई थिंक तो मतलब साथ में बढ़िया खेल रहे हैं और बहुत एग्रेसिव टीम है, तो आई फील मतलब क्या टैकल करना, मतलब ऐसे कुछ हार्ड नहीं आई विल से, अगर हम लोग अच्छे से खेले तो ऑब्वियसली हम लोग किसी को भी मार देंगे। इस टूर्नामेंट का एमवीपी कौन बनेगा? यार देखो मैं अपना नाम तो लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अलावा जो बन सकता है वो मुझे लगता है मेरे टीम का फियर्स है। भाई इस वीडियो में कायदे से अगर आप ध्यान से अगर आप एनालाइज करें तो बैंटर सिर्फ और सिर्फ सेंसे ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया।